हेलो दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। अब चाहे नीता अंबानी की 3 लाख रुपए वाली चाय हो या फिर उनकी बेटी की सबसे महंगी शादी। अब जब खास चीज़ों की बात हो रही है तो हम उनके घर एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया को ही माना जाता है, जो कि लगभग 15,000 करोड़ वाले लागत से बनाई गई है। इस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 से ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर के मैनेजर को सालाना 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कैसे बनाया गया एंटीलिया को, क्यों है ये महल जैसा, क्या है इस घर में। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले, आप इस चैनल पर नए हो या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से दबाना। तो एंटीलिया के बनाने की कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। जायदाद के बंटवारे होने के बाद अंबानी ने, जो मतलब मुकेश अंबानी की जो फैमिली थी, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा बंगला बनाया जाए दुनिया के सबसे शानदार बंगलों में से हो। और बस अपने इसी देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ज़मीन देखना शुरू कर दिया। इस बंगले के लिए ज़मीन ढूंढना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसा ज़मीन तलाश थी जो कि उनके 27 मंजिला बंगले की वजन को भी सह सके और किसी भी भूकंप या नेचुरल डिजास्टर से आराम से बच सके। इसके अलावा ये ज़मीन मुंबई के मेन स्ट्रीट में भी होनी चाहिए थी, और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये ज़मीन मिली मुंबई के अल्ट्रामाउंट रोड पर। इस ज़मीन को एक अनाथ आश्रम से मुँह मांगी कीमत पे खरीद लिया गया। इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए दिए गए और ये लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर बड़ी है। और फिर कुछ समय के बाद घर बनाने का काम शुरू कर लिया गया और इस घर का एस्टिमेट लगभग 2 बिलियन आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। इतना एस्टिमेट सुनकर एक बार को तो मुकेश अंबानी भी चौंक गए थे, और आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई थी। मुकेश अंबानी शुरुआत में हिचकिचाए, क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए अंबानी फैमिली ने इसको सोचने का टाइम लिया और काफ़ी सोचने के बाद साल 2006 में इस घर को काम बनाने का काम शुरू किया गया। इसको बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी कंपनियों की खोज की थी। फिर उनकी खोज ऑस्ट्रेलिया के 2 कंपनी पर जाके रुकी, जो पहले भी कई अरबों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बना चुकी थी। और आप जान करके हैरान होंगे कि इस बंगले की डिज़ाइन के लिए भी जो मतलब डिजाइनर्स थे उनको दूसरे विदेशों से बुलवाया गया था, और नीता अंबानी की देख रेख में इस बंगले के डिज़ाइन को एक आकार दिया गया था। अब बंगले की डिज़ाइन और ज़मीन भी तैयार थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी बंगले के लिए उसकी नींव कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी नींव बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था, ठीक उसी तरह जिस तरह दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाया गया था। एंटीलिया के फाउंडेशन में लगभग 200 पाइप्स डाले गए ताकि एंटीलिया भूकंप और बाकी नेचुरल डिजास्टर की मार झेल सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट किया गया। एंटीलिया का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू किया गया क्योंकि मुकेश अंबानी ने 4 साल में बनाने को कहा था। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, क्योंकि जब एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होते हुए अनिल अंबानी को पता चला तो अनिल अंबानी ने अपने लिए एंटीलिया से भी बड़ी और लग्जरी बिल्डिंग बनाने को सोचा। इसलिए मुकेश अंबानी इस बंगले को जल्दी बनवाना चाहते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम काफ़ी तेज़ी से शुरू किया, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक समस्या आई कि वो जब दिन में काम करते थे जो कंक्रीट था वो ऊपर जाते जाते जम जाता था। इसका एक सॉल्यूशन निकला कि आप एंटीलिया का जो काम है वो रात को किया जाएगा। फिर जाकर आखिर 2010 में 15,000 करोड़ से की लागत से बनी ये 27 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस घर का बनने का मुकेश अंबानी सालों से इंतज़ार कर रहे थे वो उस साल उस घर में रह ही नहीं पाए। दरअसल अंबानी फैमिली ग्रीन नक्षत्रों और ज्योतिष शास्त्र में बहुत मानती है। इसके लिए उन्होंने कई सारे पंडितों से पूछा तो पंडितों ने कहा कि
गृह प्रवेश के लिए साल 2012 सबसे शुभ रहेगा। फिर उन्होंने 50 पंडितों को बुलवाकर भव्य रूप से पूजा भी की। दोस्तों, अभी तक हमने बात की एंटीलिया कैसे बनकर तैयार हुआ, अब हम आपको बताते हैं कि एंटीलिया में आखिर क्या है, कौन सी सुविधाएं हैं। कहने को तो मुकेश अम्बानी का पर्सनल घर है, पर इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के 600 कर्मचारी रहते हैं। वैसे तो ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि इस बंगले में सभी सुविधाएं और मॉडर्न फैसिलिटीज़ ना हो। मुकेश अम्बानी के इस बंगले में 3 हेलीपैड और 1 मंदिर, जिम, प्राइवेट स्पा और एक पर्सनल थिएटर है जिसमें 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और एक प्राइवेट गार्डन भी है। और इस बंगले में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आम लोग सिर्फ सोच सकते हैं। इसके अलावा बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी है। मुकेश अम्बानी को गाड़ियों का बहुत शौक़ है और उनके पास करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं। उनके पास 168 गाड़ियाँ और इसके पार्क करने के लिए 7 मंजिला पार्किंग भी है। अब आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में 7 मंजिला सिर्फ गाड़ियों के लिए है, वो बिल्डिंग कितना ही लग्जरी और कितना ही खास होगा। दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर घर एंटीलिया के बनने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।